हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू तिवारी एकेडमी अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सॉल्व करते हैं इसमें गिवन है इफ़ कॉस वाई इक्वल्स एक्स इन टू कॉस ए प्लस वाई विद कॉस ए नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए तो इसमें देखिए ये आपके रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक जगह आ रहा है एक्स और कहीं एक्स नहीं आ रहा है तो अब हम गिवन एक्सप्रेशन उठाते हैं कॉस वाई इक्वल्स एक्स कॉस ए प्लस वाई इसमें एक्स ए की प्लेस पे आ रहे हैं तो एक्स को यहाँ पे भी अलग से रख लेते हैं एक्स इक्वल्स कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई अब हम इसको डिफेंशिएट करेंगे डी वाई वाई डी एक्स चाहिए तो इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफेंशिएट कर रहे हैं डी अपॉन डी वाई ले रहे हैं दोनों साइड का तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स इसमें डिविजन रूल लगेगा डिनोमीटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और नियोमीटर में कॉस ए प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी वाई आएगा एक्स नहीं आएगा क्योंकि डी अपॉन डी वाई ले रहे हैं दोनों साइड का ऑफ कॉस वाई माइनस कॉस वाई इंटू डी अपॉन डी वाई ऑफ कॉस ए प्लस वाई तो डीएक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा इक्वल्स डिनोम में कॉस प्लस वाई डोमेटर में कॉस ए प्लस वाई कॉस वाई का डिफेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में माइनस साइन वाई माइनस कॉस वाई कॉस ए प्लस वाई का डिफेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस साइन ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई और ये साइन प्लस हो जाएगा ये वाला माइनस माइनस के साथ और चेन रूल से ए प्लस वाई को डिफेंशिएट करेंगे तो जीरो प्लस वन तो वन ही आ जाएगा इंटू वन लिख देते हैं अब यहां से डीएक्स अपॉन डी इक्वल्स डिनोमीटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिनोमीटर में देखिए अगर ए प्लस वाई को हम एंगल ए मान लें और वाई को एंगल बी मान लें तो इसमें यहां पर एंगल ए है यहां पे एंगल बी है तो यह फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का तो साइन ए माइनस बी ए है ए प्लस वाई माइनस बी है वाई तो डीएक्स अपॉन डी वाई या वाई से वाई कैंसिल साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आपको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स तो इसको रेसिप्रोकर ले लेते ले ले दोनों साइड का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए यही आपको प्रूव करना था तो ये हैंस प्रूव